हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम लिका मामू है और हम लोअर सुनसरी के 02 से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली हम ऑलमोस्ट दो साल के बाद अपना बस्ती वापस आया, योगलू बस्ती जो 02 में है। तो हम दिखाने की कोशिश करेगा आप सभी को कि हम यहाँ कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते, मतलब खाते पीते इन द सेंस कि हमारा तौर तरीका क्या है। तो आप सभी को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेगा। तो या हम शायद 1 वीक के लिए आए कुछ प्रोग्राम के लिए, तो आप सभी को तभी दौरान में तो कुछ दिखाएगा। आप सब मेरा साथ दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वैसे आज का कंटेंट तो कुछ हमको अटा पता नहीं, लेकिन जो भी मिलेगा हम वीडियो शूट करेगा, बहुत रैंडम वीडियो होने लगा है, तो आप सभी देखना। आप सभी को यहाँ का वेदर बता दूँ, यहाँ का वेदर बहुत ही तंगा है। जैसे कि हम जो ईटानगर में रहता है, तो वहाँ से आया था यहाँ बस्ती में, कल ही आया था। तो मतलब ईटानगर में इतना गर्म था, इतना धूप था, पर यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलेगा था कि वेदर ही चेंज है, या पूरा फोगी फोगी बारिश बारिश हो रहा है। तो आप सभी को दिखाएगा, मतलब ये 0, आप सब अगर थोड़ा सुना होगा 0 के बारे, तो अरुणाचल का तो पता होगा, लेकिन बाहर का तो पता नहीं होगा। पर आप सब 0 के बारे सुना है, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ बहुत ठंडा है 0 एरिया जो, और ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, पर 0 तो है, 0 का ही आसपास में। तो ये 0 से भी भयंकर ठंडा है, और विंटर में तो बहुत ही ठंडा होता है। तो आप सभी को थोड़ा सा दिखाएगा यहाँ का वेदर अभी कैसे है। पूरा फोगी था अभी थोड़ा पहले, तो बहुत फोगी था। मतलब हम जो वीडियो शूट करेगा सोच रहा था पहले से, पर नहीं कर पाए, ज़्यादा फोगी फोगी होकर सकल ही नहीं दिख रहा था। तो हम सोचे था थोड़ा सा व्यू भी दिखा देगा मेरा बस्ती का। जहाँ हम रहते हैं वो अपर सेक्टर है, अपर योगलू बोलते हैं, तो उससे हम आप सभी को थोड़ा सा व्यू दिखाए। हर पर्सन तो आ जाएगा, बुलत नहीं आएगा, तो जितना हो सके उतना दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले व्यू देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो चर्च से स्टार्ट करेगा। ये है हमारा बस्ती का चर्च, बन रहा है, अभी तक बना नहीं है पूरा। तो ये एक बाप्टिस्ट चर्च है, योगलू बाप्टिस्ट चर्च। ये है हमारा बस्ती का घर, कुछ इस तरह दिखता है। और ये जो ऑलमोस्ट जो मेरा बस्ती में जो घर है, वो सब 90% का घर जो बेम्बू से ही बना हुआ है। कुछ कुछ घर है जो सीमेंट से बना है, एक दो ही घर होगा। बहुत ही खूबसूरत सा फेयर दिखाएगा, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ से अच्छे से एंगल नहीं आ रहा, तो उस साइड से आप सभी को दिखाएगा, देख रहा होगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसे हम गाय ओपू कहते हैं। ओपू मीन्स कि निसी में पुल को बोलता है, जिसे हम एक निसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो वो मेरा छोटा भाई खेल रहा है उस पर, और ये असली में बहुत ही सुंदर है, पर यह कैमरा में ठीक से नहीं दिख रहा है। और यहाँ का व्यू ऐसे है, बहुत फ्रेश है, और आज का वेदर तो और भी फ्रेश है। तो बहुत कंटेंट ढूंढने का, फिर मुझको याद आया कि हम अपना घर को भी तो दिखा सकते हैं आज। तो मतलब हमको फिर याद आया कि क्यों ना हम अपना घर का ही होम टूर कर देते हैं। किसी ने नहीं बोला, पर हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब मेरा घर को देखेगा। छोटा सा प्यार सा ही घर है, जैसे हर बस्ती में नॉर्मली घर होता है, वैसे ही ये बेम्बू से बना हुआ। तो आप सभी को हम आज घर दिखाने की कोशिश करेगा। ये घर है मेरा, और ये बाहर से कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी सामने जाके दिखाएगा। मैं मम्मी को एक्चुअली बहुत फ्लावर का शौक है, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी का फूल पाल के रखा है। तो आप सभी को दिखाएगा उसका फूल का कलेक्शन। तो ये घर का मेन एंट्रेंस है, और ये इस तरह दिखता है। और ये जो मेरा भाभी जो पूरा पेंटिंग करके रखा है बहुत फनी से, ये मेरी मम्मी का कलेक्शन है पूरा। उसको बहुत फूल का शौक है, मतलब वो कहीं भी जाओ फूल ढूंढता है, फूल लेके आता है, खरीद के लाता है, ये सब लोग। ये रोज नया नया खिल रहा है, ये अप्रैल फूल। अभी हमारा बस्ती में हर जगह दिखेगा आपको, हर घर में। इसको हम लोग अप्रैल फूल बोलते हैं, पिंक रोज, रेड रोज। ये तो बहुत सुंदर है, इसका स्मेल जो दूर से भी आ जाता है, बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका। मेरा घर का नीचे में एक पॉन्ड है, तो यहाँ बत्तख का बच्चा इतना प्यारा से खेल रहा था, भाग रहा है सब देख के हमको। तो यहाँ पे मछली डाल के रखा है, इसको शायद पानी को सुखाएगा, उसका मछली निकालेगा। एक्चुअली खेती है, इसमें धान लगाते हैं। तो हम लोग 0 में ऐसे होते हैं कि धान खेती का एक पीस में हम लोग पानी ज़्यादा डाल देते हैं, और उसमें मछली भी साथ में पाल देते हैं। बुरा मांस दिखे पैसे अपना बिल्कुल इमान पुजर पूरा काम करिया से तो नहीं खत्म नहीं वैसे पानी तो ये पल भी कति किने खोली बोल लगे ना तार पर खोली पर का नहीं ना ऐसे लालू नहीं को गवेन किन जितका ओय क्या ओय क्या हो ओय क्या लिखा ओय क्या उसका बात ना हो गया मिना लालू हो लालू ना लिखा लालू हो गया ना मामी हो गया मिना लिखा माना लिखा माना ओ ताजे एकदम ही मास नहीं दिखी पैसे तुमको मोया सही ना कोई माय ओलो। तो हम लोग के घर का सामने वाला खेती में तोरा लकड़ी लेने आया है।
निकलते वक्त तो ठीक था घर से, पर अभी अचानक से बारिश हो रहा है। तो अभी फिलहाल तो घर में कुछ काम नहीं है, तो ये सामने में एक खाली एक जगह है, उसको हम लोग साफ करेगा और सब्जी डालेगा, तो आप लोग को दिखाएगा हम कैसे काम करते हैं। फिलहाल अभी तो इसको हम लोग साफ करेगा, जैसे कि मेरा भाभी अभी कर रहे हैं, जबरा बड़ा हो गया तो इसको साफ़ करने का आगे। उसके बाद वहाँ नीचे में भी हम लोग साफ़ करेगा, वहाँ पर भी सब्जी डालेगा, अलग सब्जी डालेगा, सबसे पहले इसको साफ करेगा। तो ये वीडियो को यहाँ तक रोकना पड़ेगा होगा शायद, क्योंकि बहुत जोर से अभी थोड़ा पहले बहुत जोर जोर से बारिश आया था अचानक से जब हम काम कर रहा था, तो हम जल्दी जल्दी से बाकी आए, उसके बाद नहा वहा लिया, मतलब थोड़ा फ्रेशअप कर लिया। अभी हमको शायद वीडियो यहीं तक रखना पड़ेगा कि आगे नहीं बना सकते, नहीं तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय, तब तक के लिए टेक केयर।